हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे, अगर आप बॉडी के नाप से ब्लाउज की कटिंग करते हैं या फिर दोस्तों आप सिले हुए ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो दोस्तों हमें चेस्ट और कमर में कितनी लूजिंग देनी चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमें वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ये अस्तर बिछा रखा है इस तरीके से, दोस्तों ये हमने प्रेस वगैरह लगाकर एकदम फिनिशिंग से अस्तर बिछा रखा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अस्तर में प्रेस लगा लेनी है अगर आपके सिलवट वगैरह हो प्रेस में। जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं या फिर अस्तर की कटिंग करते हैं तो जो भी सिलवट वगैरह होती है वो प्रेस से हम साफ कर लेते हैं, जिससे कि अगर हम बाद में ब्लाउज में प्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम फिटिंग का ब्लाउज बनाएंगे उसके बाद जब हम प्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, जो सिलवट वगैरह होंगी हमारी वो जब प्रेस लगकर साफ होंगे तो हमारा उससे क्या होगा, ब्लाउज लूज हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों क्या करते हैं, जब हम अस्तर कटिंग करें या फिर दोस्तों मैन कपड़ा कटिंग करें तो आपको सबसे पहले प्रेस लगाकर एकदम फिनिशिंग से सेट कर लेना है, ठीक है। अब ये दोस्तों जो हमने अस्तर बिछा रखा है, ये दोस्तों हमने बिछा रखा है मेरी तरफ ओपन साइड, ठीक है, और आपकी तरफ दोस्तों मैंने बिछा रखा है बंद साइड, ठीक है। अगर आप हुक वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मेरी तरफ बंद साइड बिछ जाएगा और आपकी तरफ इस तरीके से ओपन साइड, ठीक है, अगर आप बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो। मैं दोस्तों आपको नॉर्मल जो आगे हुक वाला ब्लाउज बनता है उस तरीके से मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा उस ब्लाउज की, ठीक है। इस तरीके से हम अच्छे से बिछा लेंगे इसे फिनिशिंग से। ये दोस्तों जो मैंने बिछा लिया है वो मेरी तरफ ओपन साइड है और आपकी तरफ बंद साइड। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि हम ब्लाउज में निशान किस तरीके से लगाएं फिनिशिंग से, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आप निशान लगाना भी सीख जाएंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से ही दोस्तों निशान आपको लगाने हैं। और दोस्तों हम ब्लाउज में फिटिंग के लिए कितनी लूजिंग देते हैं, अगर आप बॉडी के नाप से ब्लाउज बनाते हैं तब कितनी हमें लूजिंग देनी चाहिए, या फिर दोस्तों आप सिले हुए ब्लाउज से ब्लाउज बनाते हैं तो आप किस तरीके से हम लूजिंग देते हैं उस ब्लाउज में, सारा कुछ दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में सिखाएंगे। हमारी पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको एक ही बार में ही समझ में आ जाएगा कि बॉडी के नाप से जब हम ब्लाउज में कटिंग करते हो कितनी इंच की लूजिंग हम देते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आपको स्केल लेना है, सबसे पहले आप छोटा भी स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस जगह से जो हमारी ओपन साइड है, ठीक है, मेरी तरफ और नीचे की तरफ दोस्तों आपको क्या करना होता है, इस जगह पे हमें लगाना होता है तुरपाई के मार्जिन के फोल्ड का निशान, ठीक है। इस जगह से इस तरीके से हम निशान लगा देंगे यहाँ पर फिनिशिंग से, इस तरीके से दोस्तों आपको फिनिशिंग से यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये दोस्तों हम जो गैपिंग देते हैं तुरपाई के मार्जिन का वो देते हैं दोस्तों हम यहाँ से डेढ़ इंच की, ठीक है, डेढ़ इंच की हमें गैपिंग देनी है यहाँ से तुरपाई के फोल्ड के मार्जिन का निशान का। इस जगह से दोस्तों हमारा ये निशान लग जाएगा फिनिशिंग से। अब क्या करेंगे दोस्तों, जिधर हमारा ओपन साइड है ना उधर दोस्तों हमारी किनारी होती है अस्तर में, मैन कपड़ा भी आपका हो या फिर आपका अस्तर हो तो क्या करना है, इधर से हम किनारी कटिंग करके हटा देते हैं। इस तरीके से आपको एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे किनारी हटाने का यानी कि कटिंग करने का निशान लग जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम आधा इंच का जो हमारी हुकाई की पट्टी का मार्जिन का दबाव रहता है उसका निशान इस तरीके से हमें लगाना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये निशान लग जाएगा, दो हमारे निशान लग गए हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा पहला निशान लगा है उसको हम कटिंग करके हटा देते हैं, लेकिन यहाँ से दोस्तों जो हमारा दूसरा निशान है उस निशान से क्या करते हैं, हम जितने भी निशान लगाते हैं या चेस्ट का हो या शोल्डर का हो या फिर प्लेट लेंथ का हो, कुछ भी हो दोस्तों, वो हम दूसरे निशान से निशान लगाते हैं, वो मैं आगे आपको समझा देता हूँ। जैसे अब ये हमारे निशान लग जाएंगे, अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें लंबाई का निशान लगाना होता है। जैसे दोस्तों आपका मान के चलो कोई सी भी लंबाई हो सकती है, जैसे नॉर्मली हम मान लेते हैं 13 इंच हमारी लंबाई रहेगी, ठीक है, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। आपकी कोई सी भी लंबाई हो लेकिन आपको 1 इंच ही प्लस करना है, ठीक है। इस तरीके से 13 इंच हम मान के चल लेते हैं लंबाई हमारी, तो 13 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच हमारी लंबाई टोटल हो जाएगी। अब निशान पे दोस्तों जो हमने नीचे निशान जो लगाया है वो 14 इंच पे इस तरीके से रख देंगे इंच टेप, और यहाँ पर दोस्तों हमें निशान लगा लेना है लंबाई का, ठीक है, ये हमारी लंबाई का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिखाने के लिए आर्मो लेंथ का निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। आर्मो लेंथ जो का जो निशान दोस्तों हमारा लगता है वो चेस्ट के हिसाब से लगता है, वो दोस्तों आगे जैसे हमारी वीडियो आती रहेंगी कटिंग के ब्लाउज से रिलेटेड, वैसे आपको पता चलता रहेगा कि चेस्ट के हिसाब से हम किस तरीके से किस साइज में आर्मो लेंथ का निशान लगाते हैं। और बाकी दोस्तों मैंने स्पेशली सिखा रखा है कि हम आर्मो लेंथ कितने चेस्ट के हिसाब से किस साइड चेस्ट के हिसाब से कितनी हम आर्मो लेंथ लगाते हैं ब्लाउज में। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर दोस्तों हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अब नॉर्मल दोस्तों आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ 6.5 इंच पे, ठीक है, आर्म लेंथ का निशान हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब तीसरा जो निशान लगेगा वो हमारी लगेगा डॉट का, जैसे मान के चलते हैं दोस्तों इसमें जो डॉट हम रख लेते हैं नॉर्मली 9.5 इंच की, ठीक है, या फिर 10 इंच की, 10 इंच की हम डॉट यहाँ पर रखेंगे या 9.5 इंच की रखेंगे, जितनी भी आपकी डॉट की लंबाई हो, जो हमारी प्लेट की लंबाई होती है उसमें दोस्तों हमेशा आपको 1/2 इंच ही प्लस करना है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली आपको सिखाने के लिए मान के चलते हैं 9.5 इंच की डॉट, और यहाँ पर दोस्तों जो हम लंबाई 1/2 इंच इसमें ऐड कर देंगे 10 इंच पर, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये प्लेट में दोस्तों हमने 1/2 इंच क्यों प्लस करा है, क्योंकि दोस्तों हमारी जब कंधी अटैच होगी ऊपर की तरफ तो हमारा दबाव में चला जाएगा मार्जिन, और यहाँ पर 9.5 इंच की प्लेट तैयार आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये इंची टेप आगे बढ़ाकर रखना है और ये सारे निशान हमें लगा देने हैं, ठीक है, फिनिशिंग से ये निशान लगा देंगे। ये दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये नॉर्मली आपको निशान लगाकर सिखा रहा हूँ कि किस में किस तरीके से हमारे निशान लगते हैं, लेकिन जो हमारे सारे निशान लगते हैं वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है, ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग लगते हैं, लेकिन मैं इसमें नॉर्मली सिखा रहा हूँ आपको निशान लगाकर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे सारे निशान लग जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों शोल्डर की कटिंग होती है इस जगह पे दोस्तों हमारी चेस्ट के निशान लगते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमारी प्लेट के निशान लगते हैं जो हमारी डॉट पड़ती है। अब नॉर्मल दोस्तों आपको सिखाने के लिए नॉर्मली मैं निशान इसमें लगा लेता हूँ 4.25 इंच का एक निशान, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 2.25 इंच पे एक निशान लगता है 1/2 इंच यहाँ से उठाकर। अब आगे बढ़ाकर इंची टेप रखेंगे 2.25 इंच पे, और यहाँ पर दोस्तों हम निशान लगा देंगे 1/2 इंच ऊपर उठा के। इसी जगह से जो हमने यहाँ पर जो निशान लगाया था वो निशान इस जगह से हम लगा देंगे, ठीक है, 4.25 इंच पे। अब यहाँ से दोस्तों जो हम ये निशान लगा रहे हैं वो दूसरे निशान से निशान लगा रहे हैं, पहले निशान हमने छोड़ दिया, इसी तरीके से ये आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पर कमर का निशान लगेगा, कमर का साइज आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से हमें लगाना है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कोई सा भी आपका हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पर मान के चलते हैं 32 इंच कमर रख लेते हैं हम, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा रख देंगे 8 इंच का, ठीक है। अब 1 इंच में दोस्तों हम इसमें लूजिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट पड़ेगी, इसलिए 1 इंच की हमने यहाँ पर लूजिंग दे दी है। इतवारी होगी यहाँ पर इस तरीके से निशान लग जाएगा, ये निशान दोस्तों हमें सीधा कर देना है, ठीक है, यहाँ से ये निशान सीधा कर देंगे, और इस तरीके से दोस्तों ये निशान हम सीधा कर देंगे, और यहाँ से दोस्तों ये निशान इस तरीके से हमें सीधा कर देना है। ये दोस्तों हम डॉट के निशान जो रहेंगे वो डार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये नॉर्मली निशान लगा लिए हैं। अब दोस्तों हमारी बारी आती है कि अगर हम बॉडी के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान लगेगा, तो हम उसमें कितनी लूजिंग देंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमारा कमर का निशान लगा है तो हम इसमें कितनी लूजिंग देंगे बॉडी के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ब्लाउज से जैसे सिला हुआ हमारा ब्लाउज है उसके हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो उसमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पहले मैं दोस्तों आपको बॉडी के हिसाब से लूजिंग देना सिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले दोस्तों आपको लूजिंग देना सीखना है ब्लाउज में, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मेजरमेंट की वीडियो देखनी पड़ेगी हमारी, ठीक है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख लें, क्योंकि मैं अपने तरीके से नाप लेना आपको सिखाऊंगा और अपने तरीके से ही ब्लाउज में लूजिंग देना सिखाऊंगा। तो इससे सबसे पहले दोस्तों आपको बॉडी मेजरमेंट का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, उसके बाद दोस्तों आपको समझ में आएगा कि किस साइज में कितनी हमें लूजिंग देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। अब दोस्तों बॉडी के हिसाब से हम कितनी लूजिंग देते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। नॉर्मल दोस्तों जो हम लूजिंग देते हैं ना ब्लाउज में, सूट में अलग तरीके से लूजिंग होती है, वो दोस्तों हमने स्पेशली वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं कि सूट में लूजिंग किस तरीके से दें, या फिर दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बॉडी के हिसाब से जैसे जो हमारे ब्लाउज में नाप होता है ना, जो लूजिंग देते हैं चेस्ट में या कमर में, वो दोस्तों देते हैं हम बैक गले के अनुसार, जो पीछे का गला हमारा बनता है ब्लाउज में उसके अनुसार देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज हमारा काफी फिटिंग में होता है तो बैक गले के अनुसार ही हम लूजिंग देते हैं ब्लाउज में। अब दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूँ कि बॉडी के नाप से अगर ब्लाउज की कटिंग करेंगे आप तो कितनी हमें लूजिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये हमने लिख रखा है, इस पर नॉर्मली सारा कुछ हमने लिख रखा है, मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि दोस्तों ये हमने पेज पे लिख लिया है कि हमारी लूजिंग कितने डीप नेक गले में किस हिसाब से दी जाएगी। जैसे दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो हमारी लूजिंग दी जाती है चेस्ट में, ब्लाउज में या कमर में दोस्तों, वो हमारे बैक गले के अनुसार दी जाती है, ठीक है। जैसे दोस्तों मान के चलिए बैक, जैसे ब्लाउज में जो लूजिंग देते हैं वो दोस्तों देते हैं गले के अनुसार, ठीक है, बैक गले के अनुसार दोस्तों हमें लूजिंग देनी होती है। आगे दोस्तों जो हमारा गला बनता है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों जो चेस्ट हो या कमर हो उसमें जो लूजिंग देते
देते हैं वो पीछे गले के अनुसार ही देते हैं, ठीक है। आगे गला, आगे का गला दोस्तों आपका कोई सा भी हो सकता है, 6.5 इंच हो, 7 इंच हो, 8 इंच हो, आपका कोई सा भी साइज हो सकता है आगे का, ठीक है। लेकिन जो लूजिंग देंगे चेस्ट में वो हम बैक गले के अनुसार ही देंगे। जैसे दोस्तों मान के चलिए, जैसे जो हमने बॉडी में आपको नाप लेना सिखाया, जैसे बॉडी का मेजरमेंट में जो हमने वीडियो बनाई है बॉडी के मेजरमेंट में, उसमें दोस्तों जो हमने चेस्ट का नाप लिया है वो लिया है दोस्तों हमने 38 इंच, ठीक है। 38 इंच हमने तैयार नाप लिया है बॉडी का, और कमर का नाप दोस्तों जो हमारा रहा है उसमें वो रहा है 33 इंच का, ठीक है। कमर दोस्तों हमारी 33 इंच हो गई, चेस्ट हमारी 38 इंच हो गई बॉडी के नाप के अनुसार, ठीक है, जो हमने वीडियो में आपको सिखा रखा है बॉडी के मेजरमेंट में। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा नाप हो गया, कमर 33 इंच हो गई, चेस्ट हमारी 38 इंच हो गई। अब दोस्तों बारी आती है कि अगर हमारा बैक गला कितना हो तो कितनी हमें लूजिंग देनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आपका बैक गला, जैसे गला आपका हो 6 इंच हो, 7 इंच हो, 8 इंच हो, 9 इंच हो, या फिर दोस्तों 6.5 इंच हो, 7.5 इंच हो, 8.5 इंच हो, 9.5 इंच हो, इसमें से आपका कोई सा भी साइज हो सकता है बैक गले के, बैक गले का, ठीक है। तो उसमें दोस्तों जो चेस्ट में हम लूजिंग देंगे वो देंगे 2 इंच की, ठीक है। 2 इंच की हमें लूजिंग देनी है, आपका स्पेस कोई सा भी गला हो सकता है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 6.5 इंच, 7.5 इंच, 8.5 इंच, 9.5 इंच, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है चेस्ट में, मान के चलिए जैसे हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो दोस्तों हम इसमें प्लस कर देंगे 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हम इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल दोस्तों जो हमारा आएगा चेस्ट वो आएगी 40 इंच, ठीक है। 40 इंच के हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, ये चेस्ट का निशान है, ये आर्मोर लेंथ का जो निशान है वो चेस्ट लगेगी हमारे इस निशान पे, तो 40 इंच के हिसाब से, यानी कि चौथाई जो हिस्सा हो जाएगा वो 40 इंच हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चेस्ट का हमारा निशान लग जाएगा इस जगह पे। और दोस्तों बारी आती है कि कमर, कमर में दोस्तों हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं ब्लाउज में। अगर आप बॉडी के नाप से ब्लाउज बना रहे हैं तो आपका ब्लाउज में जो हमारी कमर रहती है उसमें हमारी कोई लूजिंग नहीं रहेगी, नॉर्मल हमारी जितनी आएगी कमर उसी हिसाब से निशान लग जाएगा। जैसे 33 इंच हमारी कमर है तो 8.25 इंच यहाँ पर निशान हमारा लग जाएगा इस तरीके से, और 1 इंच की हमारी लूजिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट में दबाव रहता है, इस तरीके से हमारा ये निशान लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिखा दिया अगर आपका बैक गला 6 से 9 इंच है, 9.5 इंच है, तो किस तरीके से हमारी लूजिंग दी जाएगी चेस्ट में, 2 इंच की आपकी लूजिंग दी जाएगी अगर 6 से 9.5 इंच आपका बैक गला है तब, ठीक है। अगर आपका इससे ज़्यादा गला है तो हमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए, जैसे अगर आपका बैक नेक 10, 11, 12, 13 या 10.5 इंच, 11.5 इंच, 12.5 इंच, 13.5 इंच, 13.5 इंच दोस्तों काफ़ी नॉर्मल गले में बनता है, जैसे हमारा चोली कट ब्लाउज बने या फिर दोस्तों हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बने, पैडेड ब्लाउज बने, उसमें दोस्तों हमारा कई बार 11.5, 13.5 इंच हमारा गला बनता है। लेकिन नॉर्मली दोस्तों जो हमारे गले बनते हैं वो 12.5 इंच, 11.5 इंच, 10.5 इंच तक हमारे गले बनते हैं, ठीक है। 12.5 इंच तक ही नॉर्मल हमारे गले बनते हैं। अगर इनमें से आपका कोई सा भी गला हो 10 से 13.5 इंच तक, तो दोस्तों आपको जो चेस्ट में लूजिंग देनी है वो 1 इंच की देनी है, ठीक है। 1 इंच की भी आपकी लूजिंग हो सकती है या फिर दोस्तों आपकी 0 भी हो सकती है, यानी कि कोई लूजिंग भी नहीं हो सकती। जैसे मान के चलिए 1 इंच की हम लूजिंग देंगे तो हमारी जो चेस्ट है वो 38 इंच है, ठीक है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे इस तरीके से, तो बराबर जो हमारी चेस्ट आ जाएगी वो 39 इंच आ जाएगी, ठीक है। अब नहीं का मतलब क्या रहेगा दोस्तों, कि हमारी लूजिंग नहीं भी हो सकती है। तो जैसे कि आपकी चेस्ट है 38 इंच, जैसे हमारी जो चेस्ट है वो है 38 इंच, तो आपकी 38 इंच पे ही कटिंग होगी अगर आप लूजिंग नहीं देंगे। ये दोस्तों नहीं लूजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार होता है दोस्तों, जैसे हम ब्लाउज बनाते रहते हैं स्प्रेंस वैसे ही हमारा होता रहता है, तो अगर आप 1 इंच की लूजिंग देते हैं तो क्या होता है, हमारा बगल से थोड़ा सा लूज रहता है ब्लाउज, तो उस जगह पे क्या होता है दोस्तों, हम लूजिंग नहीं भी देते हैं, वो एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। जैसे जैसे आपका कस्टमर आते रहेंगे आपके पास, आपके पास शिकायत करेंगे कि हमारी इतनी लूजिंग है या क्या दिक्कत है, तो दोस्तों वैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, एक्सपीरियंस होता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लूजिंग दें या नहीं दें। अगर नॉर्मली आप अभी ब्लाउज कटिंग करें तो आप 1 इंच की लूजिंग दे सकते हैं चेस्ट में। अगर आपका बैक गला 10, 11, 12, 13 या 13.5 इंच या 10.5 इंच, 11.5 इंच या 12.5 इंच हो, तो 1 इंच की लूजिंग आप दे सकते हैं। अब नहीं पर लूजिंग क्या मतलब दोस्तों, अगर आपका मान के चलिए 12.5 इंच गला हो गया या 13.5 इंच आपका गला हो गया या 12 इंच हो गया, 13 इंच हो गया, तो वहाँ पर आप लूजिंग नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपका 10 इंच, 11 इंच है, तो वहाँ पर आप 1 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब ये चीज आपको एक्सपीरियंस करते करते होगी कहां पर हमें 1 इंच की लूजिंग देनी है और कहां पर नहीं देनी है। जैसे जैसे आप ब्लाउज बनाते जाएंगे वैसे ही आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया, यहां पर कोई सा भी आपका साइज हो लेकिन आपको कमर में कोई सी लूजिंग नहीं देनी है, सिर्फ आपको बैक गले के अनुसार चेस्ट में ही लूजिंग देनी होती है, ठीक है। कमर आपकी फिक्स रहेगी जितना आपका नाप आए। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपको लूजिंग देने के बाद बॉडी के नाप से आपको कटिंग करनी है, जैसे मान के चलिए हमारा 41 इंच हो गया,
39 इंच होगी हमारी, 1 इंच की लूजिंग देने पर, तो यहाँ पर 10 इंच हो जाएगा चौथा हिस्सा। इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। अगर आप लूजिंग नहीं देते हैं तो नॉर्मल जो हमारा नाप हो जाएगा वो 9.5 इंच हो जाएगा, 38 इंच का चौथा हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे यहाँ पर चेस्ट पे आर्म लेंथ के निशान पे। इस तरीके से ये निशान सीधा कर देंगे फिनिशिंग से। ठीक है, कोई सा भी आपका निशान हो सकता है, इस तरीके से हम निशान सीधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका कोई सा भी नाप हो सकता है इस जगह से, और यहाँ पर दोस्तों हम लूजिंग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लूजिंग दे देंगे यहाँ पर मार्जिन की छोड़ते हुए। ठीक है, टाइट लूज जो भी ब्लाउज हो आपका, तो यहाँ पर मार्जिन छोड़ के चलेंगे। ये दोस्तों जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा 2 से 2.5 इंच तक का। ठीक है, अब नॉर्मल बात तो दोस्तों बात हो गई यहाँ पर हमारी, अगर आपका डीप नेक है बैक से, यानी कि 6 से 13.5 इंच अगर आपका बैक नेक है, तो किस हिसाब से हमारी कितनी लूजिंग दी जाएगी। अब दोस्तों बारी आती है अगर हमारा बैक से बिल्कुल बंद गला हो या बॉड नेक हो, जैसे दोस्तों मैंने पीछे लिख रखा है, अगर आपका बैक से बंद गला है, यानी कि बंद का मतलब दोस्तों हो गया हमारा, जैसे कि दोस्तों बॉड नेक हो आपका, कॉलर नेक हो, बंद गला हो, बंद गले का दोस्तों मतलब हो गया हमारा आगे से भी आपका बंद हो, पीछे से भी बंद हो, तो उसमें दोस्तों उस जगह पे क्या होगा, हमारे 3 इंच की लूजिंग दी जाएगी। अगर आपका बॉड नेक हो, कॉलर नेक हो, बंद गला हो, तो आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपका बैक गला पीछे से 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच, या फिर दोस्तों आपका 1.5 इंच 2.5 इंच 3.5 इंच 4.5 इंच या 5.5 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि गला दोस्तों आपका 1 इंच से 5.5 इंच भी गला आपका बैक से हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका इतना गला होता है बैक से, तो आपको लूजिंग जो देनी है दोस्तों वो देंगे चेस्ट में 3 इंच की। ठीक है, 3 इंच की लूजिंग देंगे हम। अगर आपका बॉर्ड नेक कॉलर नेक हो, बंद गला हो, तो उसमें भी दोस्तों आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है। या फिर दोस्तों आपको 1 इंच से 5.5 इंच तक अगर आपका गला है, तब भी दोस्तों आपको चेस्ट में 3 इंच की ही लूजिंग देंगे, लेकिन हम कमर में कोई लूजिंग नहीं देंगे। जो हमारी कमर होगी बॉडी की, उसी के हिसाब से ही हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारी जो चेस्ट है वो है हमारी 38 इंच। जैसे दोस्तों जी हमारी चेस्ट है वो 38 इंच है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। और इसमें दोस्तों अगर आपका बैक गला 1 से 5.5 इंच हो, या फिर बॉर्ड नेक कॉलर नेक या बंद गला हो, तो उसमें दोस्तों जो हम प्लस करेंगे वो करेंगे 3 इंच। ठीक है, तो बराबर दोस्तों हमारी चेस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 41 इंच तैयार। तो 41 इंच हमारी चेस्ट यहाँ पर तैयार आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट का जो निशान लगा देंगे वो 41 इंच का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10.25 इंच। इस तरीके से हम 10.25 इंच पे निशान लगा देंगे, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हमें स्केल से सीधा कर देना है निशान। ठीक है, इस तरीके से हमारा निशान छूट लग जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों मार्जिन का निशान छोड़ते हुए आपको निशान लगा देना है, यानी कि दबाव छोड़ देंगे मार्जिन का और आपको निशान लगा देना है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों जो मार्जिन छोड़ते हैं वो 2 से 2.5 इंच तक का छोड़ते हैं, चाहे आपका कॉलर नेक हो या फिर पीछे से डीप गला हो, कोई सा भी आपका गला हो, लेकिन यहाँ से 2 से 2.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ते हैं टाइट लूज के लिए। ठीक है, अब ये दोस्तों बारी हमारी बात हो गई कि अगर आपका बंद गला हो, तो एक गला दोस्तों एक हमारा होता है पीछे से, जैसे यहाँ से हमारा ऊपर से तो छोटा गला होगा, ठीक है 4 इंच का मान के चलो, और पीछे से इसमें क्यू होल बनेगा नीचे की तरफ। ये दोस्तों जो नीचे से क्यू होल बनेगा वो बनेगा 9 इंच पे, तो यानी कि इस तरीके से जो हमारे गले बनेंगे की होल की तरह, ठीक है इस तरीके से जैसे मैंने ये बना रखा है, तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, 3 इंच की ही लूजिंग देनी है, क्योंकि ऊपर का जो 4 इंच का गला रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है, और नीचे से हमारा की होल बनेगा लेकिन इतना हमारा गला बंद रहेगा, इसलिए दोस्तों इसमें भी हमें 3 इंच की ही लूजिंग देनी है। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको समझा दिया, अगर आपका 0 से 5.5 इंच हो आपका गला बैक से, तो आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है, या फिर दोस्तों आपका 6 से 13.5 इंच तक अगर आपका बैक गला है, तो उसमें मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, ये दोस्तों बात हो गई कि हमारी बॉडी के नाप से हम किस हिसाब से लूजिंग देते हैं। आप दोस्तों आपको सिखाते हैं, अगर आपका परफेक्ट तरीके से आपका सिला हुआ ब्लाउज हो या कस्टमर का सिला हुआ ब्लाउज हो, तो उसमें किस प्रकार हमें लूजिंग देनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लाउज ले लेते हैं नाप का। जैसे दोस्तों ये हमारा ब्लाउज है नाप का, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका बना हुआ हो परफेक्ट तरीके से पूरा फिटिंग का ब्लाउज, ये कस्टमर का हो किसी का भी हो, तो दोस्तों जो हमारा बना हुआ ब्लाउज होता है वो पहले से हमारा फिटिंग का ब्लाउज होता है। ठीक है, तो उसमें हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा फिटिंग का ही ब्लाउज है, उसमें हम लूजिंग देंगे तो और ज्यादा लूज हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं सिले हुए ब्लाउज में। जो हमारा नाप होता है ब्लाउज का, उसी हिसाब से ही ब्लाउज कटिंग करके हम बना देते हैं। ठीक है, एक चीज कर सकते हैं, जैसे सिला हुआ ब्लाउज है अगर आपका टाइट है, तो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं लूज के लिए। ठीक है, जैसे हमारा मान के चले 39 इंच चेस्ट है, हल्का सा टाइट आ रहा है हमारी चेस्ट, तो उसमें 39.5 इंच कर सकते हैं, 1/2 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपका लूज है थोड़ा सा ब्लाउज, तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि हल्का सा टाइट कर सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा सिले हुए ब्लाउज में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको सिले हुए ब्लाउज का नाप लेना नहीं आता है,
तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं ठीक है कि सिले हुए ब्लाउज का नाप किस तरीके से लें, या फिर दोस्तों हमारे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं ठीक है। ये बारी होगी दोस्तों हमारी कि सिले हुए ब्लाउज में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं, ना ही चेस्ट में ना ही कमर पे, कहीं पर भी हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं ठीक है। ये तो बात होगी हमारी सिले हुए ब्लाउज की, बॉडी के नाप से भी दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से हमें लूजिंग देनी चाहिए। अब दोस्तों बारी आती है कि अगर हमारे बाजू बाइसेप्स किस तरीके से कटिंग होता है सिले हुए ब्लाउज में ठीक है, और बॉडी के नाप से किस तरीके से बाजू कटिंग होती है, और बाजू बाइसेप्स का जो हमारी कटिंग होती है किस तरीके से होती है, उस पर भी दोस्तों मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है। अगर हमारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर दोस्तों हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करें ठीक है। इस नाम से दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर दोस्तों आप सीखना चाहते हैं कि सूट सलवार में कटिंग किस तरीके से करें, या फिर दोस्तों बॉडी का नाप किस तरीके से लें सूट सलवार का, या किस हिसाब से लूजिंग हमारी सूट सलवार में दी जाती है, वो भी मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ठीक है। इस सारा को दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया कि सिले हुए ब्लाउज में हम लूजिंग नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और यहाँ से दोस्तों जो बॉडी का नाप होता है उसके हिसाब से भी मैंने आपको सिखा दिया है कि किस हिसाब से कितनी लूजिंग हमें देनी चाहिए। अगर दोस्तों आप फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तो जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको सिखा दिया है कि किस प्रकार ब्लाउज में हम लूजिंग देते हैं। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर।